नगर निगम में नगर आयुक्त से धक्का मुक्की, देखते ही देखते निगम कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया। जैसे ही बीजेपी पार्षद राम नरेश रावत ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया, गुस्से में तमतमाए नगर आयुक्त ने भी पार्षद रावत को जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर दोनों पक्षों में काफी गहमा गहमी रही। हालात यहां तक आ गए कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। निगम में और क्या क्या हुआ आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर निगम का सदन रंग का मैदान बन गया। यहां बीजेपी के एक पार्षद ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं नगर आयुक्त ने गुस्से में आकर पार्षद को जान से मारने की धमकी दी है। नगर आयुक्त ने पार्षद को कहा कि आई विल किल यू, ये कहते ही पूरा सदन कुरुक्षेत्र में बदल गया। घटना बुधवार दोपहर की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को नगर निगम में सदन की विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते पार्षद और नगर आयुक्त आमने सामने आ गए। स्थिति यहां तक आ गई कि दोनों पक्षों की ओर से अपशब्द कहे जाने लगे और एक दूसरे को धमकियां देने लगे। इसी दौरान सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड से बीजेपी पार्षद राम नरेश रावत ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। नगर आयुक्त भी व्यक्तिगत टिप्पणी से इतने आहत हुए कि आपा खो बैठे। सदन की बैठक के बीच ही उन्होंने पार्षद को जान से मारने की धमकी दी। वहीं हंगामा बढ़ा तो वो बैठक छोड़कर चले गए। इसके बाद मेयर और पार्षद में बहस होने लगी। इतने में पार्षद और कार्यकारिणी उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता आपस में लड़ने लगे। हालात बिगड़ते देख बाकी पार्षदों ने मामले में हस्तक्षेप किया और राम नरेश रावत को बड़ी मुश्किल से घसीटकर बाहर ले गए। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामला शांत होने के बाद मेयर और नगर आयुक्त दोबारा सदन में आए। सदन शुरू करते हुए नगर आयुक्त ने फिर कहा कि कोई भी गलत आरोप लगाएगा तो वो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी लोग शहर के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी दिन रात व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, ऐसे में इस तरह के आरोप मनोबल को गिराने वाले हैं। उधर बीजेपी के कई पार्षद राम नरेश को समझाने पहुंचे और सदन से बाहर जाने के लिए कहने लगे। इस बात पर उनकी भी राम नरेश रावत के साथ झड़प हुई। ऐसे हालात में एक बार तो ऐसी भी स्थिति बनी कि बीजेपी के ही पार्षद उन्हें मारने दौड़ पड़े। दूसरी ओर नगर आयुक्त के साथ अभद्रता पर नगर निगम मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी लामबंदी कर ली है। उप लेखाधिकारी एपी तिवारी ने सदन में कहा कि इस तरह के गलत आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि आरोपी पार्षद को बाहर नहीं किया गया तो कार्य बहिष्कार होगा। मामला उस समय और बढ़ गया जब पार्षद राम नरेश रावत ने नगर निगम मुख्यालय की छत से छलांग लगाने की धमकी दे डाली। कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर नगर आयुक्त और मेयर होंगी। कहा कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं। मालवे नगर वार्ड से कांग्रेस पार्षद ममता चौधरी ने भी पार्षद रावत का समर्थन किया। कहा कि कूड़ा निस्तारण के लिए अनुबंधित चेन्नई MSW पर साल 2012 में चेन्नई में 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा था। वर्ल्ड बैंक में 2021 में कंपनी को फ्रॉड घोषित किया गया था। आयकर विभाग ने भी 1200 करोड़ रुपए का टैक्स घपला पकड़ा। इस पर कंपनी के CEO मसूद मलिक ने बताया कि कंपनी को सिर्फ 2012 में नोटिस मिला था। रिव्यू के बाद वर्ल्ड बैंक ने मामला वापस ले लिया था। टैक्स वाला मामला कंपनी का नहीं शेयर होल्डर का था। नगर आयुक्त ने बताया कि चेन्नई MSW कंपनी के काम को रिव्यू करने के लिए न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 6 महीने का वक्त दिया गया है। कंपनी डोर टू डोर कूड़ा उठान 6 मार्च से शुरू करेगी।